नारनौल जिला मुख्यालय का नाम जिला महेंद्रगढ़ से बदलकर नारनौल किए जाने, प्रत्येक मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों का महेंद्रगढ़ जाकर कार्यालय लगाए जाने और महेंद्रगढ़ में एडीजे कोर्ट की स्थापना किए जाने के विरोध में नारनौल बार के वकीलों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। साथ ही सभी मुद्दों पर वकीलों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही। नारनौल बार के वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की और लघु सचिवालय से लेकर नारनौल के महावीर चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर अधिवक्ता एडवोकेट ने कहा कि हमारी मांग है कि नारनौल मुख्यालय को जिला नारनौल किया जाए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। किस तरह का आंदोलन आपका? सर, जो मांग हमारी पहले से चली आ रही है, सबसे पहले जो नारनौल जिला था ये आज से नहीं 400-500 साल पहले से रिकॉर्ड में चला आ रहा है। तो हमारी पहली मांग तो ये है कि इस जिले का नाम नारनौल रखा जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि 4 तारीख का जो पत्र जारी किया गया था उस पत्र को विड्रा किया जाए। और क्या कहा पत्र में ये कहा गया है कि महेंद्रगढ़ के जो यहाँ के हमारे जिले के अधिकारी हैं वो एक दिन मंगलवार को वहाँ पर बैठेंगे। उसका हम लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं और हमारा विरोध जारी रहेगा, क्योंकि पूरे हरियाणा में कहीं पर भी सब डिवीजन पर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी ऑफिसर्स, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और इसके अलावा और जो आला अधिकारी हैं जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये कहीं भी सब डिवीजन पर नहीं बैठते। 3 तारीख से लगातार हमारा आंदोलन चला आ रहा है और लगातार आगे भी जारी रहेगा। इसमें किसी प्रकार का अब तक कोई फेर बदलाव नहीं किया गया है। जहाँ तक एडीजे कोर्ट की व्यवस्था का सवाल है तो वो हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर नारनौल है। इसलिए हमारी मांग है कि जो पत्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है एडीजे की वहां बैठाने के लिए, उसको भी वापस लिया जाए।